गुड इवनिंग दोस्तों, व्यापम यानी कि PEB ने अपनी एक प्रेस रिपोर्ट जारी की है जिसमें दिनांक 21 दिसंबर 2018 को ये रिपोर्ट जारी हुई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की परीक्षा की तिथियों में वृद्धि करने के संबंध में ये लेख है। इन दोनों एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होना था 29 दिसंबर 2018 को उच्च माध्यमिक शिक्षक का होना था, और जबकि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी 2019 से प्रस्तावित था। तकनीकी कारणवश इन दोनों परीक्षाओं की तिथि एक माह की वृद्धि कर दी गई है। उक्त परीक्षा की निश्चित समय सारणी आगामी दिनों में व्यापम यानी कि PEB की वेबसाइट पर जारी होगी। और ये आज की रिपोर्ट है, इसकी प्रतिलिपि प्रधान संपाद दैनिक समाचार पत्र कृपा संबंधी अभिव्यक्ति सभी में सूचना दी जाएगी। तो अब आपके पास टाइम और बढ़ गया है, अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। जल्दी इसकी जो नई डेटें हैं वो आ जाएंगी, और सबसे पहले गुरु ज्ञान क्लासेस आपको एक इन्फॉर्मेशन देगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और बेल बटन तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी।